दक्षिणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। अब देख रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से देश में इस वक्त तैयारियों का जो सिलसिला है वो लगातार उफान पर है, और इसी कड़ी में हर वो सियासी दल अपने विरोधी दल को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है। और इस कड़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को हर उस मुद्दे पर घेरना चाहती है जिस मुद्दे पर उन्हें सियासी तौर पर फायदा हो। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद फिर से उनकी सदस्यता बहाल की जा सकती है। क्या उनको जो सजा दी गई है 2 साल की उसमें कटौती की जाएगी? हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया गया, राहुल गांधी ने इसको चुनौती दी है, और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी का भी रवैया कहीं ना कहीं इसमें नर्म पड़े, क्योंकि बीजेपी को ये बात अब समझ में आ गई है कि अगर इस पूरे मुद्दे को ज़्यादा तूल दिया जाएगा तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर और भी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, क्योंकि अगर जेल जाना हो गया उनका इस पूरे मामले में तो जाहिर सी बात है कि उनकी राजनीतिक जो है कदम एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और 2024 से पहले इस तरीके का मामला बीजेपी के लिए सूटेबल नहीं है, बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और इसी को लेकर के इस वक्त तरह तरह की बातें, तरह तरह के जो राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा तमाम बातें कही जा रही है उसे यही माना जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर नरम पड़ सकती है, और हो सकता है कि हाई कोर्ट से इस मुद्दे पर राहुल गांधी को राहत की खबर मिल सकती है, यानी कि सदस्यता बहाल करने की जो तमाम कवायद चल रही है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जीत जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तो तमाम बातें इस तरीके की जा रही है, लेकिन कोर्ट के प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसको कहीं ना कहीं समझना होगा कि कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर कैसे अपने पक्ष को रखता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।